नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिसने भारत देश के चर्चित बिजनेसमैन गौतम अडानी का किडनैप कर 15 करोड़ रुपए की फिरौती ली थी। और तो और, आगे आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी, क्योंकि उसने न सिर्फ गौतम अडानी से बल्कि इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम तक से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूल की थी और दाऊद को भी उसे पैसे देने पड़े थे। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फजल उल रहमान उर्फ फजलू। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फजल उल रहमान उर्फ फजलू का नाम आज भले ही कोई याद रखे ना रखे, लेकिन दो लोग हमेशा याद रखेंगे। इन दो लोगों के नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और जाने माने कारोबारी गौतम अडानी। प्रतिष्ठित अखबार जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के रहने वाले फजल उल रहमान ने जब शुरुआती दौर में अपराध की दुनिया में कदम रखा तो वो जमील खान के साथ काम करने लगा और जमील के साथ रहते हुए उसका संपर्क अपहरण किंग बबलू श्रीवास्तव और इरफान गोगा जैसे बड़े गैंगस्टर से हुआ। इरफान गोगा के नजदीक आने के बाद फजलू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फजलू इरफान गोगा को ही अपना बॉस मानता था। इरफान गोगा दुबई में रहता था और वहीं से अपराध के काले साम्राज्य को चलाता था। और साल 1995 में फजलू ने एक ऐसा कांड किया कि दाऊद भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और फजलू को उसे 50 लाख रुपए देने पड़े। दरअसल साल 1995 में इरफान गोगा ने दुबई से फजलू को फोन करके बताया कि वो दाऊद के बहनोई हामिद अंतुल्ले को रंगदारी के लिए फोन करने वाला है, ऐसे में हैदराबाद जाकर फिरौती का पैसा ले लो। जब फजलू ने हामिद से फिरौती की रकम देने को कहा तो उसने दाऊद को फोन कर दिया। इसके बाद दाऊद ने अपने भाई अनीस से कहा कि वो फजलू को ये काम ना करने के लिए बोले, लेकिन जब अनीस ने फजलू से बात की तो उसने कहा कि मेरा बॉस इरफान गोगा है, तुम नहीं। जब फजलू ने किसी की बात नहीं मानी तो दाऊद ने उसे खुद 50 लाख रुपए भिजवाए। तब जाकर कहीं हामिद का पीछा छूटा और इस घटना के 3 साल बाद 1998 में फजलू पर अपने एक साथी के साथ गुजरात के गांधीनगर हाईवे पर मोहम्मदपुरा के पास गौतम अडानी का अपहरण करने का भी आरोप लगा। बताया गया कि गौतम अडानी ने खुद को छुड़ाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। इसके बाद साल 1998 में फजलू देश छोड़कर दुबई चला गया। साल 2003 में दुबई में माफियाओं के खिलाफ अभियान चला तो फजलू दुबई से थाईलैंड निकल गया। फजलू ज्यादा दिनों तक थाईलैंड में नहीं रुका और वो नेपाल आ गया और फिर साल 2005 में नेपाल से भारत। यहाँ पर एक कारोबारी के रंगदारी देने से इनकार करने पर फजलू ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फजल उल रहमान उर्फ फजलू के अपराधों को देखते हुए उस पर मकोका लगाया गया, जिसके बाद वो जेल भेज दिया गया। कहा जाता है एक समय उसके कुछ संपर्क इंडियन मुजाहिदीन के लोगों से थे, लेकिन वो किसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा और ना ही ऐसे कोई आरोप उस पर लगे। फिलहाल फजल उल रहमान उर्फ फजलू के बारे में आप क्या सोचते हैं? खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।